शाम हो चुकी है। क्या सो हम अभी टेरेस पे आ चुके हैं, मैं और सौमिश्री। बहुत अच्छी हवाएं चल रही है घर पे, बहुत सारे काम ही चल रहे हैं। मैंने कल ब्लॉग में भी बताया था, वही काम जो पेंडिंग जो काम थे लॉकडाउन से पहले, इतने सारे बैंक के जो काम थे वो पेंडिंग रह गए थे, तो वो सारे जो है कर रही थी, अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। मतलब जैसे कि हम जो स्पॉन्सरशिप के वीडियो जो बनाते हैं हम यूट्यूबर, तो उसके जो फॉर्म होते हैं वो बहुत लंबे चौड़े फॉर्म होते हैं, किस किस के होते हैं और किस किस का ऐसा हुआ है कि पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो सभी बातचीत जो है वो आज चल रही थी। जैसे कि हमने कल के ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि बहुत सारी वही चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा ना हमारे यहाँ पे धनिया इतनी महंगी है तो हम ट्राई करेंगे। मुझे नहीं पता कि कितने हद तक सक्सेसफुल होगा। तो 60 रुपीज़ की धनिया, इतनी सी धनिया आ रही है, बहुत ही ज़्यादा महंगी आ रही है, और इसलिए मैंने सोचा है कि अभी घर पे जो है वो धनिया लगा लेते हैं, देखते हैं। तो मैंने ना मैंने धनिया जो होते हैं ना वो पानी में जो है भिगो के रखे थे, तो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने हद तक हमें अच्छी तरीके से आता है। अभी जस्ट न्यू ड्रेस पहना है, टेरेस और घर बस यही हमारे दुनिया रहती है। अभी मैं पोहे बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल गर्म होने के बाद थोड़ा सा मैंने पहले चेक करती हूँ कि राई गर्म हुई, मतलब तेल गर्म हुआ नहीं, तो और जो राई मैंने डाल दी। फिर उसके बाद अभी मैं ऐड करने वाली हूँ प्याज, और मेरी मम्मी का मानना है कि आप जितना प्याज ज़्यादा डालोगे ना तो उतना टेस्ट बनता है। तो अभी दो लोगों के लिए मैं बनाने वाली हूँ, सौमिश्री को नहीं चाहिए था पोहे, तो मैंने दो ऑनियन जो है वो लिए थे, मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था, और उसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश होके देना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये देखिए पोहा जो है वो मैंने भिगो के रख दिया था और उसको सेपरेट जो है वो मैं कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने ये हरी मिर्ची जो है वो डाल दी है। ये मिर्ची जो होती है ना थोड़ी सी फीकी ग्रीन कलर की, वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, वो जो एकदम डार्क ग्रीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी लगती है, अभी मार्केट में जो मिल रहा है वही सही। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है टमाटर, हल्दी, हींग और थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी,
और लास्ट में मैंने नमक जो है वो ऐड किया था। और देखिए पोहे अभी मैंने ऐड करी हूँ, और इस पे ही अभी ऊपर जो है मैंने लेमन जो स्क्वीज किया है। और हमारे यहाँ पे ना कड़ी पत्ता नहीं मिला था, धनिया भी नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से जो है वो नहीं डाला, नहीं तो मैं वो डालती, नहीं तो बहुत दिनों के बाद मैंने आज टमाटर जो है ऐड किया था। और बस 5 मिनट में, 5 मिनट तक अभी हम गैस पे रख देंगे और हमारे जो पोहे वो रेडी है। महाराष्ट्रन फैमिलीज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पोहे बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत फेवरेट होते हैं महाराष्ट्रन में। और चलिए सर्व करते हैं। यस यम्मी। और मुझे ना एक व्लॉग में मतलब बताना था, एक व्लॉग में क्या, मेरे बर्थडे के दिन ही ये बात जो है वो शेयर करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी वो खुशखबरी भी नहीं लग रही है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने बताया था कि फाइनेंशियली बर्बाद हो गए हैं। ऑनेस्टली सीरियसली मैं ये बात झूठ नहीं बोल रही हूँ, हो चुका है, इस वजह से तो बोल रही थी। तो हुआ ये कि मैंने उस वीडियो में बोला तो कुछ लेडीज़ ने कहा कि यार इंग्लिश में बोला, सीरियसली बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलती है, कुछ लेडीज़ बहुत ही अच्छी है, उनकी ग्रामर वगैरह सब कुछ अच्छा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा यार इतनी इंग्लिश अच्छी है। तो मेरा वीडियो तो थोड़ा सा देख लो, उसके उससे आपको पता चल जाएगा। वो बोल रही कि तुम सेविंग्स नहीं करती, हमेशा अपने पति के पैसे उड़ाती रहती है, शॉपिंग करती रहती है। तो भाई मैंने वो जो बातें बताई वो सेविंग्स रिलेटेड ही बताई थी, म्यूचुअल फंड बोल दिया, सुकन्या योजना बोल दिया, बिजनेस के बारे में बोल दिया। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि यार मेरे को शॉपिंग के लिए ये नहीं, अभी मैंने वो भी बोला है हाँ कि मैं अभी शॉपिंग के, अब शॉपिंग ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल जो है चेंज करनी पड़ेगी, खाना बाहर का नहीं खाना पड़ेगा। तो ये सच ही तो बोला है, अगर मैं सच बोलती होती यार आप लोगों को तो मतलब ये लगता है कि यार क्या। एनीवेज तो मैं उन लेडीज़ को अभी क्या ज़्यादा बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लेडीज़ ने मुझे ये भी कहा कि 7-8 साल से कमा रहे हो तो कहाँ पे गया उतना पैसा। बहुत लंबी स्टोरी है, वो बताते बताते मतलब पूरा 1 घंटा लग जाएगा, बट मैं एक शॉर्ट में बता देना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि मेरा बर्थडे था 10 मार्च को, तो मैंने सोचा था कि वो खुशखबरी हो जाएगी, मतलब बता दूंगी आपको, बट हुआ ये पूरा उल्टा। तो मैंने और नितेश ने अपनी जो अर्निंग है पूरी, मेरी यूट्यूब की अर्निंग और नितेश की, तो वो पूरी जो है हमने एक प्लॉट लिया था, प्लॉट लिया मीन्स अभी वो पूरा हमारे नाम पे नहीं हुआ, मेरे नाम पे नहीं हुआ है, तो वो दिसंबर मंथ में हमने देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा कि अभी इस पे ही मेरा घर बनेगा। और हुआ ये कि जनवरी में मतलब क्या होता है ना, जब आप प्लॉट लेते हो तो उसके ऊपर आपको लोन भी नहीं मिलता है, तो पूरी सेविंग जो आपको देनी ही पड़ती है। तो हमने सोचा कि मार्च से पहले ही हो जाएगा, बट हुआ ये कि जिनसे हम प्लॉट ले रहे हैं तो उनकी तरफ से एक कागज है वो रह चुका है, और वो जो कागज़ है हमारे जो वकील, उन्होंने बोला है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जो है जैसे कि अगर हमें अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो लोन तो चाहिए यार, घर बांधना होता है तो घर कंस्ट्रक्ट करना है तो इस वजह से जो है पूरा रुक चुका है। बट हमने ये किया है कि उनको एक अमाउंट जो है वो दे दी है। सो अभी लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन होने से पहले भी हम बहुत बार पूछ रहे थे कि कागज़ दीजिए, तो उसका उनका जवाब ये था कि हाँ हम दे देंगे। अभी तो लॉकडाउन के बाद तो पूरा सब कुछ बंद है, तो इस वजह से जो है अभी हमारी अर्निंग वहाँ पे भी अटक पड़ी है प्लॉट के यहाँ पे, तो इस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है। और मेन चीज़ ना अभी मुझे ऐसा लगता है कि प्लॉट के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा घटेंगे, और हमने जो प्लॉट लिया है बहुत ही महंगा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा महंगा है, और क्योंकि वो एक बहुत अच्छी जगह पर है, क्योंकि मैंने देखे कुछ घर तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि ये जो सिटी है एक मैनचेस्टर सिटी है, यानी कि यहाँ पे मिल्स बहुत ज़्यादा है, कपड़ों के जो मिल्स है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका शोर भी बहुत ज़्यादा आता है, और वो मुझे नहीं चाहिए था आसपास। तो इस वजह से वो जो प्लॉट मुझे बहुत पसंद आ गया था, बट अभी मतलब ये हो गया है कि हमारे पैसे जो है वहाँ पे भी अटक पड़े हुए, और अभी उसका कागज़ पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं, तो देखते अभी मतलब उस वजह से भी बहुत टेंशन है, क्योंकि अगर आप अपनी सेविंग्स अपने सपनों के ऊपर लगाते हो और ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। मेन चीज़ ना ये है कि अभी पता नहीं बिजनेस का ही पता नहीं, क्योंकि अभी आज जगह छुट्टी है तो 15 दिन ही रहेगा शॉप, तो
मतलब बहुत ज्यादा टेंशन है, मैं क्या बताऊँ आपको। आपको लग रहा होगा कि यार शीतल खा रही है पी रही है कितना सब कुछ अच्छा है, बट जिसको जिसको मतलब अभी तो अभी का जो टाइम है ना, हर एक इंसान को अपने अपनी टेंशन है, मैं क्या बताऊँ अभी। चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमने हमारे सेविंग का फिर ये कर दी। तो देखते अभी तो मतलब कुछ स्टार्ट तो नहीं हुआ है, अभी जो भी कुछ होगा हमारे जो वकील जो भी बताएंगे वो हम देखेंगे, या फिर वहाँ से अगर कागज वो मिला तो ठीक है, नहीं तो देखते अभी क्या करेंगे। सो चले मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, बाय।